हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? आप सबके लिए हमने एक जो न्यू गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं आपका जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा फिर से आपका जो न्यू नोटिफिकेशन आ गया है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो आपको कैसे आपको अप्लाई करना होगा, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कहाँ पर आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो सकता है, सब कुछ हम आपको इसी वीडियो के अंत तक सब कुछ हम बता देंगे। आपसे प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग वीडियो के स्किप करके मत देखिए। वीडियो को आप लोग स्टार्ट से कर आप एंड तक आप लोग वीडियो से आप लोग जुड़ रही है। तो चल एक बार वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं आपका जो 4 मार्च को यहाँ पर आपका जो ऑफिशियल तो नहीं आपको अनऑफिशियल जारी होता है, पर आप यहाँ पर आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। तो कैसे आपको अप्लाई करना होगा चलिए पर मैं बोल देता हूँ। तो पहले आपका जो सबमिशन डेट है वो स्टार्ट आपको हो गया है, आपको देख सकते हैं आपको इसी महीने आपको पर एप्लीकेशन स्टार्ट भी हो गया है। 28 मार्च आपका लास्ट डेट है आपके अप्लाई करने का, तो काफी टाइम। तो प्लीज पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, उसके बाद आपको अप्लाई करना आपके पास स्टार्ट कर दीजिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस में जो कि CAPF के अंतर्गत आपका आता है, सभी को मालूम होना चाहिए दिल्ली पुलिस को सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के द्वारा आता है। इसमें आपको सेंटर के द्वारा आपको सारी सुविधा सारी सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसमें भी आप लोग आपका जो सब इंस्पेक्टर पोस्ट में आपको जारी हो गया है और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो वो भी अप्लाई कर सकते। जो हेड कॉन्स्टेबल है आपका कॉन्स्टेबल है ऐसे सब इंस्पेक्टर सो भी अप्लाई कर सकते, पर उनके लिए 3 आवर्स के बारे में सर्विस उनके ऊपर करना होगा तो यहाँ पर अप्लाई एलिजिबल हो सकते हैं। इसमें आपको 2 वैकेंसी निकल के आए, एक है आपका GD में और एक है आपका जो आपका एग्जीक्यूटिव पोस्ट में। इसमें भी आप GD में आपको सिर्फ मेल कैंडिडेट मुझे लगता है पर अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पर आप लोगों को पे स्केल 6 सैलरी मिल जाएगा जो आपको ग्रुप बी नॉन ग्रेजुएट पोस्ट पेपर आता है। इसमें आप लोगों को सैलरी वगैरह देख सकते हैं, आपको 35,000 सैलरी लेकर आपको 1 लाख सैलरी पर मंथ देख रहे मिल जाएगा। और दूसरा आपका जो सब इंस्पेक्टर है आपका जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट में जो आपका मेल फीमेल है तो दिल्ली पुलिस में इसमें कैरी शूट आपको एग्जीक्यूटिव पोस्ट में मिल जाएगा। इसमें भी आपको सेम सैलरी वगैरह में आपको मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पर जो वैकेंसी वगैरह आता है इसमें 10 टेबल निकल के आया है तो वो भी अपन देख सकते हैं। जो ओपन आया है आप देख सकते हैं, यूअर के लिए 45 वगैरह आपको, OBC 24, SC के लिए 13, ST के लिए 7, AEW के लिए 12, टोटल आप लोगों को 101 वैकेंसी आया है। और एक सभी इसमें 7 पोस्ट आ रहा है, एक सभी जो स्पेशल कैटेगरी उनके लिए 5 पोस्ट, डिपार्टमेंटल के लिए 12 पोस्ट आया है। टोटल मिला के 125 पोस्ट निकल के आया है। जो आपका एग्जीक्यूटिव आता है जो फीमेल के लिए और इसमें भी टोटल 61 पोस्ट निकल के आए हैं। एंड जो आपको जो सब इंस्पेक्टर जो जो GD में आया है जिसमें यहाँ पर आपको BSF हो गया, CRPF हो गया, CISF हो गया, ITP हो गया, SSP हो गया, टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें जो आपका GD में आप सब BSF में होता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 892 वैकेंसी निकल के आया है। एंड फीमेल के लिए 45 वैकेंसी, जो CISF है मेल कैंडिडेट्स उनके लिए 1400 वैकेंसी निकल के आया है। और फीमेल के लिए यहाँ पर आया आप देख सकते हैं आप लोग 160 पोस्ट। एंड CRPF के लिए भी देख सकते हैं आप लोग 100 आपका जो 1113 पोस्ट निकल के आया है। और फीमेल के लिए 59 पोस्ट निकल के आया है। जो IT भी उनके लिए 237 पोस्ट निकल के आया है। दूसरा SSB के लिए भी 559 एंड फीमेल के 3 पोस्ट निकल के आया है। टोटल यहाँ पर आपको 4001 वैकेंसी निकल के आया है, ठीक है। और जो भी इन्फॉर्मेशन कहने सिलेक्टेड अपॉइंटमेंट है CAPF लेवल सार्फ एनी वेयर इन इंडिया, तो एनी काम करना सिर्फ दिल्ली पुलिस को छोड़ के। यहाँ पर आप लोगों को ऑल भी इन्फॉर्मेशन दे दिया वगैरह है, आप लोग चेक कर सकते हैं। सो कमीशन नाइदर कलेक्टेड वैकेंसी नॉर मेक एलोकेशन स्टेट वाइज रीजन इट्स एग्जामिनेशन। और भी इन्फॉर्मेशन निकल के आया है जैसा आप लोग देख चेक सकते हैं, हैविंग सार्वे फिजिकल एनर्जी उनको स्पेशल ग्रुप किया जाता है, ठीक है। और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कुछ डिपार्टमेंटल का भी पोजीशन वगैरह है वो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो भी सर्विस में कोटा वे आपका है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको जो मेन क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको ऑल पोस्ट के लिए बचलर्स डिग्री कंपलसरी है, इसको कम्प्लीट होना चाहिए। एंड सो एपीआर्ट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कैन ऑफर भी एपीआर्ट, ओके। तो जिन्होंने सो एपीआर किया पासर हुआ है कैनस हु हैव एपीआरएड देयर बैचलर्स डिग्री इक्विवेलेंट कैन ऑल्सो अप्लाई, हाउएवर मस्ट पॉसिबल इसेंशियल क्वालिफिकेशन कट ऑफ डेट, ओके। तो एज पर क्वालिफिकेशन प्रोसेस कट ऑफ डेट पहले आपको पास होना हो तो यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं।
एज पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नोटिफिकेशन जारी आपको हो गया, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दे दिया है, तो भी यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को फिजिकल होगा, फिजिकल एनरोलमेंट टेस्ट वगैरह होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वगैरह होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन और भी सर्टिफिकेट वगैरह, ओरिजिनल डिप्लोमा, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, सो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट वगैरह है। इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन वगैरह दे दिया फॉर्म सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस मेल के लिए, मेल के है प्रोसेस वैलिड हैवी लाइसेंस एंड मोटर व्हीकल लाइसेंस कार मोटरसाइकिल, तो यहाँ पर आपको होना चाहिए, ठीक है, लाइट भी चलेगा और फुल भी यहाँ पर आपको चलेगा, पर आपका वैलिड आपको होना चाहिए और कुछ नहीं। सो हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना होगा, SEO वेबसाइट में जाके रजिस्टर करके उसके बाद आपको अप्लाई करना होगा और स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। इसके अप्लाई करने के लिए आपको 100 रुपीज पेमेंट करना पड़ता है, जो यहाँ पर SC ST वुमेन कैंडिडेट के पास फ्री है, उनके उनके लिए फ्री है, और पेमेंट आप UPI मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट यहाँ पर आपको कर सकते हैं आप लोग। और भी इन्फॉर्मेशन वगैरह दे दिया है और भी ऑफिस ऑफिस देख सकते हैं। एक बार आपका जो रीजन वाइज कुछ एग्जाम सिटी सेंटर होगा तो भी आपको यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं वगैरह है, जो भी वर्क दे दिया है। तो सेम आप एग्जामिनेशन भी दे दिया है, वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं, जो भी आपका फिजिकल टेस्ट वगैरह होता है, पेपर 1 पेपर 2, सो भी आपका डिटेल मेडिकल वेरिफिकेशन वगैरह, और जो आपका जनरल इंटेलिजेंस होता है यानी आपको जनरल नॉलेज वगैरह, क्वांटिटी एप्टीट्यूड इंग्लिश, सबका 50-50 मार्क्स का यहाँ पर वो हो जाएगा। दूसरा आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव 200 मार्क्स का हो जाएगा, जो 2 घंटे पर आपको होगा, स्पेशल छूट वगैरह मिल जाएगा CNCC सर्टिफिकेट की तरफ से। और भी इंटेलिजेंस रीजनिंग का इंस्ट्रक्शन वगैरह दे दिया है, आप लोग तो चेक कर सकते हैं, एंड फिजिकल भी वो दे दिया है, हाइट वगैरह कितनी वो रखना पड़ता है आप लोगों को, चेस्ट वगैरह। तो ऑल कैंडिडेट्स मेल के लिए 170 सेंटीमीटर आपको हाइट अब चाहिए, ठीक है, और भी इंस्ट्रक्शन वगैरह आ गया है, वो भी आप लोग इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट वगैरह हो गया, ऐसा फुल मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर आपको भागना आता है 16 सेकेंड में, 1.6 किलोमीटर भागना होगा आपको 6.5 मिनट्स में, लॉन्ग जम्प आप लोग 3.65 मीटर होगा, 3 चांस मिलेगा यहाँ पर आप लोगों को, एंड हाई जम्प में 1 पॉइंट हाई जम्प में 1.2 मीटर इन 3 चांसेस आपको मिलेगा, एंड शॉर्ट पुट वो रहता है 16 LB तो 4.5 मीटर इन 3 चांसेस में, और फीमेल का भी है, वो भी यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आता है आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट वगैरह रहता है फॉर मेल के लिए, आप लोग इसे चेक कर सकते हैं, आई का भी साइड वगैरह दे दिया है, आप लोग इसे चेक कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है आपको दे दिया, जो भी डॉक्यूमेंट आपको मैंडेटरी वगैरह है, तो कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपको अप्लाई कर दूंगा। तो चले, मैं अब चलता हूँ, जय हिंद, गुड बाय।